आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंसस 2021 की। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शार्दुल और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइफ कास्ट पर। अगर आप पहली बार यहां पर आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारे सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक करने के लिए मैं अभी नहीं कहूँगा, वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेंसस की। जी नहीं दोस्तों, ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ वर्ड नहीं है, वो है सेंसेक्स और ये है सेंसस। सो सीधे शब्दों में आपको बताऊँ तो ये है इंग्लैंड और वेल्स में होने वाली जनगणना। तो मित्रों, इस साल सेंसस की डेडलाइन है संडे 21 मार्च, यानी कि रविवार 21 मार्च। अब तक आपके घर सेंसस के सर्वे वाला कोड एक लेटर में ज़रूर आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिक्र मत कीजिए, आप सेंसस की वेबसाइट पर जाकर आपका पोस्ट कोड और एड्रेस डालकर कोड टेक्स्ट मैसेज के जरिए हासिल कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको फटाफट सेंसस के बारे में बता दूं, सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है। पिछली बार सेंसस हुआ था 2011 में। तो अगर आप मार्च 2011 के बाद यूके में एंटर हुए हैं तो ये आपके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो मित्रों, इंग्लैंड और वेल्स में सेंसस करवाता है ऑफिस ऑफ नेशनल स्टेटिस्टिक्स यानी ONS। अगर आप स्कॉटलैंड में रहते हैं तो स्कॉटिश सेंसस होगा अगले साल यानी 2022 में। दोस्तों, जैसा कि इस लेटर में लिखा हुआ है, दिस सर्वे इज मैंडेटरी, इसका मतलब योर रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर आप इसे कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको £1,000 तक का फाइन हो सकता है। सीधे आपको फाइन नहीं होगा, पहले सेंसस ऑफिसर्स आपके घर आएंगे, आपको रिमाइंड करवाएंगे। अगर फिर भी आपने ये सर्वे कंप्लीट नहीं किया तो आपको £1,000 तक का फाइन हो सकता है। सेंसस सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी सोसाइटी का डिटेल डेटा होता है। सेंसस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मित्रों, क्योंकि आपकी सोसाइटी और कम्युनिटी का डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। इसे कई सारी एजेंसीज यूज़ करती है, इंक्लूडिंग UK गवर्नमेंट, पॉलिसी बनाने के लिए, काउंसिल फंडिंग, रिसोर्स एलोकेशन, रोड्स, लाइब्रेरीज और कई सारी चीज़ें प्लानिंग के लिए सेंसस का डेटा यूज़ किया जाता है। इस बार COVID-19 पैंडेमिक के चलते हुए ये पूरी तरह डिजिटल होने वाला है। अगर आप डिजिटल फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं तो आप पेपर फॉर्म्स भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेंसस की वेबसाइट पर जाना होगा। इस लेटर में एक एक्सेस कोड होता है आपकी पूरी फैमिली के लिए। अगर आपके इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर्स अपने आप सेंसस का सर्वे भरना चाहते हैं तो आप ये कोड उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इंग्लैंड और वेल्स में स्टूडेंट हैं तो आपको आपका टर्म एड्रेस यूज़ करना होगा सेंसस का सर्वे फॉर्म भरने के लिए। सेंसस सर्वे में 4 सेक्शंस होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे थर्ड सेक्शन की, टू बी मोर स्पेसिफिक, एथनिसिटी, रिलीजन एंड नेशनल आइडेंटिटी। इस सेक्शन में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर नेशनल आइडेंटिटी। तो दोस्तों, कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं नेशनैलिटी के साथ। जी नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी नेशनैलिटी नहीं पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि विच कंट्री डू यू कंसिडर एज होम। मेरे जैसे, आप जैसे दिल से देसी लोगों का एक ही घर हो सकता है, वो है इंडिया। अगर आप मेरी तरह दिल से देसी हैं तो आप चूज करेंगे इंडिया। उसके बाद एक क्वेश्चन है एथनिसिटी, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो आपको चूज करना है एशियन या एशियन ब्रिटिश, और उसके अंदर आपको चूज करना है इंडियन। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारी पूरी पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी जो अपनी इंडियन कम्युनिटी है, वो सेंसस डेटा में रिप्रेजेंट हो। आप देख सकते हैं 2011 का सेंसस रिजल्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन है, वो है रिलीजन। जी हाँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सेंसस ने इसे एक वॉलंटरी क्वेश्चन रखा हुआ है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपका रिलीजन इसमें ज़रूर मेंशन करें। मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू चूज़ करूँगा। अगर आप किसी भी कास्ट के हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हिंदू सिलेक्ट कीजिए। अगर आप आपके कास्ट और सब कास्ट मेंशन करेंगे तो सारा पर्पस डाइल्यूट हो सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो है दोस्तों लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, ये लैंग्वेज क्वेश्चन आपको पूछता है कि आप घर में कौन सी भाषा बोलते हैं। हमारे घर में बोलते हैं मराठी लैंग्वेज, तो मैं मराठी चूज़ करूँगा। आप जो भी आपकी घर पर लैंग्वेज बोली जाती है वो आप चूज़ कीजिए। मित्रों, इस वीडियो बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही मकसद है, आपको सेंसस के बारे में बताना और एज अ कलेक्टिव वॉइस सेंसस में अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करवाना। आप हिंदू चूज़ कीजिए, आप आपके घर की लैंग्वेज चूज़ कीजिए और आपकी नेशनल आइडेंटिटी चूज़ कीजिए। दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चंस अपनी कम्युनिटी को आगे ले जाने में बहुत मदद करेंगे।
मित्रों, आप इन्हीं सवालों का सही जवाब देकर अपनी कम्युनिटी की हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे कि कम्युनिटी सेंटर, सीनियर सिटीजन्स के लिए केयर होम्स, स्कूल्स में हिंदुइज्म सब्जेक्ट इंक्लूड करना, काउंसिल फंडिंग, हेल्थ केयर फंडिंग फॉर इम्पॉर्टेंट डिसीजेज सच एज डायबिटीज़। जी हाँ दोस्तों, इंडियन और साउथ एशियन कम्युनिटी में डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा है। क्या आपको पता है, इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स के लिए जगह एलोकेट करना, तो इसी तरह कई सारे फायदे जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, वीडियो के अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि सेंसेक्स सर्वे का फॉर्म पूरा करके अपना कर्तव्य पूरा करें और अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में मदद करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मैं जाता हूँ अपना सेंसस फॉर्म भरने, आप भी अपना फॉर्म भरिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।